क्लासरूम में लोग परीक्षा ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन से हम लोग अपनी मैथ्स की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जिससे जनरली हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाता है। एग्जाम एसएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, जैसे लेखपाल है, वीडियो है, टेट है, सी टेट है, अभी लास्ट टाइम एक एग्जाम हुआ था हमारा टेट का, उसमें क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम है, जिसको हम डिटेल में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एक क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा जाता है वो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पावर्स में कन्वर्ट होगा, पावर के रूप में दे रखा होगा, वहां से मुझे रिमाइंडर से भी याद करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी भाषा पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या को, यानी यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए, 119 से भाग दिया जाए तो 37 शेष बचता है, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर है, आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना कि मान लेता हूं कोई संख्या मेरे पास यहां पर पी है, इस संख्या को अगर 119 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरे पास 37 बचता है। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है? 37। अगर किसी संख्या को 17 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास में? 37। अगर किसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर इसके जाए तो अगर मान लो कोई संख्या मेरे पास ऐसे करके यहां पर दे रखी है, इस संख्या को 119 से भाग दूंगा तो 119 से भाग देने पर जो शेषफल मेरे पास बच रहा है कितना बच रहा है? 37। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, भाज्य वैल्यू आती है, उसको मैंने के मान लिया। तो अगर इस संख्या को मैं पी को निकालना चाहूं तो कैसे आएगी? 119 और के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 119 गुणा के, और ये जो शेषफल है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस 37, यानी ये मेरे को संख्या मिल चुकी है। अब उससे कहा गया है कि इस संख्या को 17 से भाग दें, यानी संख्या मेरे सामने 119 गुणा के प्लस 37 डिवाइडेड बाय 17, यानी अगर इसे मैं 17 से भाग दूंगा तो मुझे क्या निकालना है? शेषफल निकालना है यहां पर। तो शेषफल निकालने के बहुत सारे तरीके, डायरेक्टली शॉर्टकट भी बताए जाते हैं। तो पहले हम इसको एक तरह से ध्यान से समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम है क्या हमारे पास, तो पहले इस शब्द पर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि जैसे कोई भी टर्म लिखा गया है उसको एग्जिट कैलकुलेट करने से पहले, यानी इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करने से पहले, मैं इनको अलग अलग भी डिवाइड करके अलग अलग शेषफल निकाल सकता हूँ, यानी कि इनके अलग अलग शेषफल आएंगे। उन शेषफलों में वही सिंबल, यानी वही साइन गुणा प्लस माइनस का यूज करेंगे जो इनकी संख्याओं में दे रखते हैं। जैसे 119 को अगर मैंने 17 से भाग दिया तो शेषफल बेटा कितना बचेगा हमारे पास में? 0। यहाँ पर के गिवन है, अब के का वैल्यू तो पता नहीं, के की वैल्यू क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर के को अगर भाग देंगे तो शेषफल मान लेता हूं मैं एक्स बच रहा है, कितना बच रहा बेटा? एक्स। अब इसी तरीके से 37 को मैंने भाग दिया तो 37 को भाग दूंगा, 37 को मैं यहाँ पर अलग से भाग देकर दिखा देता हूँ आपको 17 से, 17 × 34 और शेषफल कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर इसका अलग से शेषफल कितना बच गया? 3। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सारी चीजें देखना। अगर मान लो यहाँ पर गुणा का साइन लगा तो इनके बीच में भी गुणा का साइन लग जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन लग जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि 0 × x कितना आता है? 0, प्लस 3 कितना आएगा? 3, यानी 3 लास्ट में आ गया, और ये 17 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो फाइनली जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारे पास कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट रूप से ट्रिक बताई जाती है, वो डायरेक्टली ध्यान से सुनना हम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे पास कोई संख्या थी 119 से भाग दे रहे थे, 37 शेष बच रहा था, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, यहाँ पर एक बहुत ध्यान से बात समझ लीजिए, अगर यहाँ 119 लिखा गया है, यहाँ पर मैं दो अलग अलग कॉलम लिख लिए,
यहाँ पर जो 119 है, अगर इस वाले 17 से ये वाले 119 या तो डायरेक्टली इंडिविजुअल हो जाएंगे यानी डायरेक्टली कटे जाएंगे या डायरेक्टली नहीं कटेंगे। अगर मान लेते हो कि डायरेक्टली कट गए, जैसे हम लोग इस मैथ्स के टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसान से लाइन में बताता हूं। अगर ये डिवाइड हो जाए, अगर डिवाइड हो जाए पहले चीज, और दूसरा कौन सा है, डिवाइड ना हो। अगर डिवाइड हो जाए या डिवाइड ना हो, इस तरीके से दे रखा हमारे पास। अगर डिवाइड हो जाए या ना हो, अगर नहीं होता तो यहां पर 119 को अगर ये डिवाइड होगा 118 होता यहां पर या 120 होता। जब डिवाइड नहीं होता तो यहां पर जीरो रिमाइंडर नहीं बचता, यहां पर रिमाइंडर हमारे पास बेटा कुछ और बच रहा होता। जब कुछ और बच रहा होता तो ये रिमाइंडर पूरा आता, वो एक्स की टर्म में आता, क्योंकि यहां 1 × x, 2 × x, 3 × x, 4 × x इस तरीके से आ रहा था। तो यहां पर एक्स की वैल्यू में डिफाइन नहीं है, तो इसका आंसर डिवाइड ना हो तो इस केस में इसका आंसर बी सस्ती एनडी बोला जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन बोला जाएगा। यानी इस टाइप के जो आंसर क्वेश्चंस आते हैं इनका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आता, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस बात को। यहां 119 लिखा गया है, 119 17 से पूरा का पूरा कट गया इसलिए यहां पर जीरो आया, ठीक है। अगर ये नहीं कटता, यहां 118 होता, 120 होता, 121 होता, तो यहां पर कोई ना कोई जीरो की जगह शेष में बच रहा होता, तो जीरो की मल्टीप्लाई या जो वैल्यू बच रही होती 1, 2, 3 मान लेते, एग्जांपल के तौर पर मैंने 4 मान लिया, तो 4 × x + 3 आता फाइनल रिमाइंडर, जो कि 17 से डिवाइड हो गई क्योंकि x के टर्म में वैल्यू आ रही है, और x की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में उसका आंसर कितना माना जाता है, सीएनडी माना जाता है। अगर मान लेते हो कि अगर इससे ये वाली एग्जैक्टली वैल्यू डिवाइड हो जाती है, यहां पर रिमाइंडर 0 बच गया, यानी 0 × x, यानी कि 0 की वजह से इस x का फॉर्मेट ही पूरा का पूरा बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, यानी फाइनल आंसर के पास यहां पर कितना आ जाता है, 3। यानी कि 17 से 119 अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तब हम लोग उस केस में, सिर्फ उसी केस में डायरेक्टली 37 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी 37 को डायरेक्टली मैंने 17 से डिवाइड किया, यानी 17 × 34 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। यानी इस केस में आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3। तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको डायरेक्टली मैं एक बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी संख्या को 119 से भाग दिया 37 शेष बचा, इसी संख्या को 17 से भाग दिया तो क्या शेष फल बचेगा, तो हम लोग सोच पहला प्रयास क्या करना है, इस वाले 17 से ये वाली संख्या देखनी है डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर डिवाइड ना हो, अगर इससे डिवाइड हो ही नहीं रही है, कन्फर्म डिवाइड नहीं आया, एग्जैक्टली नहीं डिवाइड हो रहा, तब उसके स्थान पर आप कैटिंग कर देंगे सीएनडी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ये एग्जैक्टली से डिवाइड हो जाता है उस केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस संख्या को हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे या जो भी वैल्यू हम गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अभी पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर है कि यदि किसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचता है, यदि किसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा गया है यदि किसी संख्या को 75 से भाग दे तो 29 शेष बचता है, अगर इसी संख्या को 25 से भाग दे तो शेषफल नहीं ज्ञात करना है। तो अभी हमने लास्ट में दो चीजें आपको बताई थी कि पहला स्टेप जो हमें चेक करना है कि 25 से ये 75 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाता है तब उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो पहले क्वेश्चन रिमाइंडर बच रहा था 29 इसको आप भाग दे दीजिए डायरेक्टली 25 से, 25 से भाग देंगे 25 × 25 और आंसर कितना बच जाएगा आपका डायरेक्टली 4। अगर मान लो यहां पर 75 की जगह 76 होता पर ये डिवाइड नहीं होता, मान लो जैसे मान लो ये मेरे क्वेश्चन में बता देता हूं कोई संख्या थी यहां पर 76 से भाग दे रहा और आंसर 29 बच रहा है और इसी संख्या को अगर 25 से भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा आपके सामने, बस दूसरा जो पार्ट है उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर मैंने 25 से 76 को चेक किया कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसको या किसी और चीज को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस केस में जो रिमाइंडर आपका निकलेगा वो सी एंड डी निकलेगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बात क्लियर हुई, तो
तो हमें एक बात बहुत ध्यान से ये समझनी है कि अगर मान लो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये संख्या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है तब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस वाली संख्या से डायरेक्टली जो रिमाइंडर बच रहा था पहले उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 25 से 29 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 4। अगर एग्जैक्टली मान लो ये डिवाइड ना हो तो इसके आंसर इसका कितना आएगा, सी एंड डी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पर आधारित है। क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 4 से इस बचता है, यदि उसी संख्या के घन को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे वर्ग का, घन का, या दुगनी, तीन गुनी, चार गुनी या पांच गुनी, इस टाइप से रिलेटेड चीजों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सुनते पहले ध्यान से एक बार, कोई संख्या थी इसको हमने 5 से भाग दिया और शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है 4। अब इस संख्या को नहीं, इस संख्या के घन को अगेन 5 से भाग दे रहे हैं तो आपको शेषफल बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास संख्या यहां पी दे रखी है, इसका घन हमसे पी क्यू को अगर 5 से भाग देगा तो शेषफल बताना है। यहां पर पी क्यू की जगह हमसे ये बोल सकता था 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना या 11 गुना, इस टाइप से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता था। तो यहां पर सबसे पहले हमें चेक करते हैं जो अपने कांसेप्ट हमने समझा है, 5 से अगर भाग दिया और ये वाली संख्या एग्जैक्टली डिवाइड हो गई तब हमारा डायरेक्टली कांसेप्ट वही था कि इस संख्या को डायरेक्टली भाग दे सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि संख्या क्या है, घन है। तो यहां पर हम लोग यहां पर 4 जो था जिसको डिवाइड करने वाले थे उसको हम क्यूब कर देंगे पहले। तो 4 का क्यूब कितना आता हमारे पास 64। अब हमारे पास पी क्यूब की वैल्यू एक तरीके से 64 हो गई हमारे। अब 64 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन गया 5, यहां बच गया 14, तो 5 टू 10 और यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो इस केस में आंसर आपका कितना आ जाएगा 4। अगर मान लेते हो यहीं पर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता आपके सामने कि संख्या का घन की जगह संख्या का वर्ग, यहां बोल लिखा होता है साफ साफ संख्या का वर्ग, तब कैसे करते, यानी p था हमारे पास, p को 5 से भाग दिया 4 बच गया, p का वर्ग और 5 से भाग करें तो शेषफल हमें ज्ञात करना था। यानी सबसे पहला स्टेप हमारा ये था, 5 से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है, इस क्वेश्चन मैंने चेक किया कि हम 5 से ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हमको स्टेप सीखा था वो इससे इस संख्या को डिवाइड करना था, बट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग बोल रखा है यहां पर 4 का वर्ग कर दें, तो इस वाले 4 का वर्ग कितना आता है 16। अब 16 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 से हम 16 को यहां पर डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 और शेषफल कितना बचेगा 1। यानी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो आपके आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर जो हमें डायरेक्टली जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस तरीके से थ्योरेटिकली फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा उसका हमें आंसर बताना होगा, उसमें हमें रिमाइंडर निकालना होगा। तो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइप 2 में, वो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास पावर से रिलेटेड। एक लास्ट हमसे टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूं, पावर से रिलेटेड था, 3 की पावर 1989 को हम लोग 7 से डिवाइड करना था, यानी लास्ट ईटी का क्वेश्चन था 3 की पावर 1989 का आंसर को 7 से डिवाइड करना था, इस केस में रिमाइंडर निकालना था। तो ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इस क्वेश्चन ये आपके लिए आज का होमवर्क एक तरीके से, इस वीडियो के एंडिंग में आपको ये क्वेश्चन एक बार घर से खुद से जिन जिन लोगों को आता है उसको ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, बाकी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।